फ्रेंड्स अपने हम इस वीडियो में पुलिस अधिनियम पे बात करेंगे, पुलिस अधिनियम सेक्शन 2 पे। जैसा कि फ्रेंड्स पुलिस अधिनियम का सेक्शन 2 ये बल के गठन से संबंधित है। बल का गठन, इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारियों और पुलिसजन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। यानी पुलिस की भर्ती करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर कोई नियम बना सकता है या आदेश पारित कर सकता है और पुलिस की संख्या को घटा बढ़ाकर यानी कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार से पुलिस की भर्ती करेगा। उसके बाद सेक्शन 2 क में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। यह सेक्शन अधिनियम संख्या 33 के सन 2001 में जोड़ा गया और इसको 6 अक्टूबर 2002 के द्वारा बढ़ा दिया गया। यानी जो अधिनियम संख्या लाया गया था वो 33 का 2001 में लाया गया था और इसकी जो डेट है 6 अक्टूबर 2002 को इसको जोड़ दिया गया, यानी पुलिस एक्ट में इसको इंक्लूड कर दिया गया और ये प्रवर्तित हो गया। ठीक, इसके बाद सेक्शन 3 क्या कह रहा है। सेक्शन 3 कह रहा है कि राज्य सरकार के अधीक्षण निहित होना। सेक्शन 3 में कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन या सर्वत्र राज्य क्षेत्र के जिलों में पुलिस का अधीक्षण में प्रयोग निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। यानी इसमें राज्य सरकार के अधीक्षण में निहित होना, यानी जितने भी पुलिस भर्ती किए जाएंगे उनके अधीक्षण की बात की गई, यानी वो राज्य सरकार में ही निहित होंगे, उनका अधीक्षण राज्य सरकार में ही निहित होगा। सेक्शन 4 में क्या है। सेक्शन 4 में कहा गया है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक। कहा जा रहा है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहा जाएगा और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। यानी फिर कह रहे हैं क्या, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक जिलाधीक्षक और ऐसे अपर जिलाधीक्षक और सहायक जिलाधीक्षक जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। यहाँ कह रहे हैं कि महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के अंतर्गत जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक होता है, तो पुलिस की सारी शक्तियाँ महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक में निहित होंगी। जैसा कि फ्रेंड्स पहले क्या था, पहले पुलिस महानिरीक्षक पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन 1981 में यूपी में संशोधन करके, यूपी पुलिस अधिनियम में संशोधन करके इसे अब पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक को बना दिया गया। जैसा कि फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक के लिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक स्थापित किया गया। यानी पहले क्या था, पहले था पुलिस महानिरीक्षक, बाद में इसके स्थान पर पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक शब्द को जोड़ दिया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, पहले था सहायक जिलाधीक्षक, अब क्या किया गया, अपर जिलाधीक्षक एवं संयुक्त जिलाधीक्षक इसको इंक्लूड कर दिया गया और सहायक जिलाधीक्षकों को स्थापित किया गया। ये कब जोड़ा गया, ये 1984 में जोड़ा गया। इसका जो अधिनियम संख्या, ये अधिनियम संख्या 10 है, वर्ष 1984 है, धारा 3 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि 1981 से पूर्व पुलिस का मुख्य अधिकारी जो होता था महानिरीक्षक होता था, किंतु 1981 के बाद यूपी में संशोधन करके पुलिस का जो मेन अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे महानिदेशक को बना दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 5 आप देख रहे हैं, सेक्शन 5 में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियाँ और शक्तियों का प्रयोग। यानी फ्रेंड्स यहाँ पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक से तात्पर्य है महानिरीक्षक, क्योंकि महानिरीक्षक के स्थान पर ही अमेंडमेंट्स करके पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक शब्द रखा गया है। तो शक्तियों की बात कर रहा है धारा 5, जिसमें कहा गया है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। इसमें कहा गया कि पुलिस की सभी शक्तियां
पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक की मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी, किंतु वह इसका प्रयोग मनमानी ढंग से नहीं कर सकता। वह इसका प्रयोग समय समय पर जिस प्रकार से राज्य सरकार उसको अधिरोपित करे उस प्रकार से इसका प्रयोग वह कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 6 देख रहे हैं, सेक्शन 6 को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में कहा गया है कि अवर अधिकारियों की नियुक्ति और प्रतियुक्ति के बारे में बात की गई है धारा 7 में, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण और जिला अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युक्त, निलंबित या अवगत कर सकते हैं, अवनत कर सकते हैं, जिनके निम्न आधार होंगे। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर पुलिस का अधीनस्थ है कोई, अगर वह अपनी ड्यूटी से या जिस लिए उसको नियुक्त किया गया उसमें अक्षम्य पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या जिलाधीक्षकगण उसे जो है अब उसके पद से पदच्युक्त या निलंबित कर सकते हैं, अनावगत कर सकते हैं। इसका कारण ये है, रीजन ये दिखाया गया है कि अगर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के, फर्स्ट पॉइंट, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाया जाता है, सेकेंड पॉइंट है जो उस पद के लिए अयोग्य समझा जाए, थर्ड पॉइंट है जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है, फोर्थ पॉइंट है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य घोषित कर देता है। उसके बाद ये था, ये तो पॉइंट जो हमने आपको ऊपर बताया ये उसको निलंबित या पदच्युत करने के रीजन थे, उसके पॉइंट थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को कौन दंड दिया जा सकता है, यानी जो अधीनस्थ पुलिस है उनको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, उनका दंड देने का क्या तरीका है। तो उनका दंड देने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, पहला है कि उसके जो भी अधीनस्थ होगा 1 माह के वेतन से अधिक का जुर्माना, यानी 1 माह तक के वेतन का उनका जुर्माना लगाया जा सकता है, 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, दंड स्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा दिया जा सकता है, अतिश्रम करवाया जा सकता है या अन्य कोई अन्य कार्य सहित या रहित 15 दिनों के अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर प्रतिरोध किया जा सकता है। उसके बाद सदाचरण वेतन से वंचित किया जा सकता है, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति का रोक दिया जा सकता है, जिसमें दक्षता अवरोध पर रोकना सम्मिलित है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो इसमें पुलिस को निलंबित करने की बात है तो पुलिस अधिनियम में दिया गया, लेकिन पुलिस रेगुलेशन एक्ट में पैरा 481 में पदच्युक्ति और पदावनत की बात की गई है, पुलिस रेगुलेशन में। उसके बाद पैरा 496 से 499 निलंबन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स तो सेक्शन 8 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, पुलिस अधिकारी को कब प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कह रहे हैं कि धारा 4 में वर्णित अधिकारियों से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिदेशक या महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस में नियुक्ति कर लिया जाता है तो उसे जो है महानिदेशक के द्वारा या महानिरीक्षक के द्वारा उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तब यह मान लिया जाएगा कि उसमें पुलिस अधिकारी की सारी शक्तियाँ, कृत्य और विशेषाधिकार निहित हो गए हैं। उसके बाद सेक्शन 8A, जिसमें कहा गया कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र की बात कहा गया, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक उड्डयन कार्मिक में नियुक्त किया लिया गया है तो उसे भी जब प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तब यह माना जाएगा कि उसमें सारी शक्तियाँ इंक्लूड हो गई, समाहित हो गई हैं। धारा 9 क्या करा, धारा 9 करा कि पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के पद त्याग नहीं कर सकेंगे। यानी कह रहे हैं कि जब तक जिलाधीक्षक या ऐसी अनुमति के लिए प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अभिव्यक्ति या अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य से अपने को प्रतिहत करने के लिए या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने की आशय की लिखित सूचना 2 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाजत से त्यागपत्र के बिना स्वतंत्र न होगा। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ
यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है और वह ड्यूटी त्याग देना चाहता है, ड्यूटी को छोड़ देना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है, तो उसे 2 माह के पहले पुलिस अधिकारी को यानी महानिदेशक को या अपने निरीक्षक को एक उसको प्रमाण पत्र देना होगा, लिखित अप्लीकेशन देना होगा 2 माह पूर्व। अगर वो जिलाधीक्षक उसको स्वीकार कर लेता है तब तो वह पद त्याग कर सकता है, अगर वो स्वीकार नहीं कर सकता है तो वह पद त्याग नहीं कर सकता। धारा 10 में क्या क्या, धारा 10 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। कह रहा है कि जब तक पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ति या उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दें, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस अपने पुलिस अधिनियम में जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार अन्यत्र कहीं नियोजित नहीं किए जाएंगे जब तक कि पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ऐसा कोई उपबंध या ऐसा कोई प्रावधान या निर्देश नहीं दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में हमने सेक्शन 2 से लेकर 10 तक के जितने प्रावधान किए गए थे सबको इसमें डिफाइन कर दिए। तो फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गुड बाय फ्रेंड्स।